भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार ने इस बार भी तोहफा दिया है। शासन के आदेश पर इस बार भी महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री में सफर कराया जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा दिया है। भाई बहन के पवित्र त्यौहार पर इस साल भी महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी। बहनों की सुविधा के लिए हर मार्ग पर बसों का संचालन किया जाएगा। महिलाएं एसी नॉन एसी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इस दौरान परिचालक जीरो बैलेंस पर टिकट बनाएंगे, जिससे पता चल सकेगा कि कितनी महिलाओं ने फ्री में सफर किया है। रक्षाबंधन पर आगरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस पर विशेषकर लोकल में यात्री ज़्यादा निकलते हैं तो लोकल में बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे, और दिल्ली से भी यात्री निकलता है तो दिल्ली में भी 150 बसें हम दिल्ली से विशेष तौर पर चलाएंगे। अभी तक निःशुल्क का मुख्यालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। संभावना यही है कि जिस प्रकार विगत वर्षों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, संभवतया उसी प्रकार उपलब्ध कराई जाए, लेकिन इसका पुष्टि आदेश आने पर ही की जाएगी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बस स्टेशनों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। अधिकारी बैठक कर रूट प्लान तैयार कर रहे हैं। हालांकि जिस मार्ग की अधिक सवारी होंगी उस मार्ग पर रोडवेज की बसों को भेजा जाएगा। महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले पुरुषों को परिचालक को पैसे देकर टिकट लेना होगा। त्यौहार पर सिर्फ महिलाएं ही मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। जैसा यात्रियों का आवागमन रहेगा इस पर हमने पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हमारे आगरा के अंदर 3 बस स्टेशन है जिस पर के 2400 घंटे सुपरवाइजर्स तैनात रहेंगे और वहाँ की कमान ARM साहब संभालेंगे। रास्ते में भी जहाँ जहाँ मुख्य पिकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर यात्रियों को बिठाने के लिए भी हम पिकिंग पॉइंट पर कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। किसी को सड़क पे खड़े नहीं रहने दिया जाएगा, सबको बसों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सीएम योगी ने रोडवेज बसों में फ्री में सफर करने का तोहफा दे दिया है, लेकिन अभी अधिकारियों के पास लेटर नहीं आया है। महिलाएं कब से कब तक बसों में यात्रा कर सकेंगी इस बारे में आदेश आने पर जानकारी होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 18 अगस्त को रात 12 बजे से 20 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।